वाट डू यू मीन बाई अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है क्या? दिस इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक देखो, इक्विलिब्रियम तो है वहाँ पर, वेयर ऑल रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, दैट इज सम रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम है, ये ऐसी इक्विलिब्रियम है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं पर हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आउटपुट तो उतना नहीं होगा जितना हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन उतना नहीं होगा जितना हो सकता है, चीज़ें इतनी नहीं बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि डिमांड ही कम है। तो दिस इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर ऑल रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है सम रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड इन दिस सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी ऑपरेट बिलो इट्स पोटेंशियल आउटपुट। तो इकोनॉमी जितने अच्छे से ग्रो कर सकते हैं उसमें तो नहीं करेगी, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। मान लो हमारे पास फैक्ट्री है, चार फैक्ट्री हैं, उसमें से एक फैक्ट्री में काम चल रहा है, तो तीन फैक्ट्री काम कर सकती हैं, तैयार है, ठीक है, पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो इकोनॉमी में देखो, एक फैक्ट्री चल रही है तो इकोनॉमी में कुछ तो इम्पैक्ट डालेगी, अगर चार फैक्ट्री काम करते हो तो डेफिनेटली इकोनॉमी में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती। तो इन दिस सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी ऑपरेट बिलो इट्स पोटेंशियल आउटपुट, तो इकोनॉमी भी जितना काम करना चाहिए उस लेवल पर नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमारी चार फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री ही काम कर रही है, तो कैसे बढ़ेगी? मतलब हम फुल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? शॉर्ट फॉल इन डिमांड, मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, जिसकी डिमांड नहीं उसका प्रोडक्शन होगा नहीं, लेड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी वजह से हम अपनी फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं या कुछ भी रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड कम है तो बनाएगा कोई क्यों। प्राइस लेवल में भी स्टेबल और इवन डिक्लाइन, मान लो हम सामान बना भी दें तो उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें प्राइस कम करने पड़ेंगे, तो प्राइस लेवल उसमें कम हो सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब काम चल रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट स्लो स्पीड से, जितना कर सकती थी उतना नहीं कर रही है, तो उसे कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हम अपने पूरे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि डिमांड नहीं है, तो इकोनॉमी भी उस रेट से ग्रो नहीं कर रही जिस रेट से ग्रो कर सकती है, इम्पैक्ट इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है बट रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं है, ये अच्छे से ग्रो कर सकती है बट ऐसा है नहीं।